आंदोलन के माध्यम से शिक्षा हो, युवाओं को संस्कार देने की बात हो, समाज को नशा मुक्ति का विषय हो, पर्यावरण की बात हो, ऐसे सब विषयों को लेकर के हमारे समाज की भूमिका, शिक्षा में विशेष तौर पर महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा, इसके ऊपर बहुत बल दिया गया है। आज हम अपने सम्मेलन के माध्यम से मैं समझता हूं सब विचारों को प्रतिपादित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, समाज के लोगों को प्रेरणा देंगे, विशेष तौर पर युवाओं को प्रेरणा जरूर मिलनी चाहिए। हमारी सब विचारधाराओं को आधार मानते हुए इस राष्ट्र का विकास, राष्ट्रीय चिंतन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक पहलू है, क्योंकि आज समाज जीवन को सुखी रहने के लिए जहां उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता होती है, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वहीं पर शिक्षा और संस्कार, इसकी भी आवश्यकता है। सरकारें विकास का काम तो करती है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से भौतिक विकास होता है, भवन बन गए, सड़कें बन गई, नहरें बन गई, कई रेलवे लाइन बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे विषय, लेकिन इस विकास से काम नहीं चलता। समाज की मूल इकाई है मनुष्य, इस मनुष्य का विकास, उसका विकास आवश्यक है, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। अगर मनुष्य का विकास नहीं है तो राष्ट्र निर्माण अधूरा है। अधूरा क्या मैं कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण शुरू ही नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में जहां समाज होता है वहां समाज के अंदर एक कुछ कोटि के संस्कार जब तक नहीं मिलते, जब तक तब तक समाज पतन की ओर बढ़ता चला जाता है, समाज उत्थान की ओर नहीं आता। तो इस सारे विषय में सरकारें थोड़ा चिंता तो करती है, लेकिन ज्यादा काम मनुष्य निर्माण का मैं समझता हूं ये संस्थाओं के माध्यम से, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, सिरे चढ़ाया जा सकता है। तो इस नाते से मैं ये कहूंगा कि आर्य समाज की भूमिका ये अतुलनीय है। आर्य समाज ने गौ समर्थन, गौ सुरक्षा, इसमें भी बहुत काम किया है, गोपालन का काम, ये भी हमारी एक प्रकार की विचार, हमारे विभाग की चिंतन है, उसमें मुख्य एक भूमिका है। मैं इसमें हमारे आचार्य आर्य समाज ने जितने आंदोलन किए वो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ किए, उस समय बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में जालंधर में पुत्री पाठशाला की स्थापना हुई और एक बेटियों की पढ़ाई का अभियान चलना शुरू हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोपूर्णा निधि नामक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक के माध्यम को पढ़कर गौशालाओं की स्थापना हुई और गोमाताओं की रक्षा का अभियान आर्य समाज के सौजन्य से चला। स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी श्रद्धानंद ने पढ़ा मुंशीराम ने, तो गुरुकुलों की स्थापना का बहुत बड़ा अभियान आर्य समाज के माध्यम से पूरे देश में चला। अछूतों उद्धार का काम हमने किया, नारी शिक्षा का काम हमने किया, पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ काम हमने किया। तो आज के इस दिन आप और हमने संकल्प लेना चाहिए कि हमारे पूर्वज जिस मिशन को लेकर चले थे, आज पुनः अंगड़ाई लेकर के हमने सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए आर्य समाज के प्रचार को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। गांव गांव के अंदर आर्य समाज की स्थापना हो, वेद प्रचार का कार्यक्रम चले और इस मिशन में अभी आदरणीय पूज्य स्वामी देवव्रत जी,
जो हमारे सारे देश आर्य विप्लव के प्रधान सेनापति हैं, उन्होंने भी अपना विषय रखा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे आर्य समाज के विद्वान बुजुर्ग चले जा रहे, सन्यासी लोग बूढ़े हो रहे जा रहे, नई युवा पीढ़ी उस गति से नहीं आ रही जिस गति से आनी चाहिए। आर्य समाज में आर्य वीर दल आर्य समाज में प्रवेश का द्वार था, वो खुला रहना चाहिए और युवा पीढ़ी को इस मान से जोड़ने का काम हमने करना चाहिए। अधिक से अधिक आर्य वीर दल में हमारे शिक्षक बढ़े, युवा पीढ़ी के आर्य समाज में जोड़ने के लिए कॉलेजेस में स्कूल्स में शिविर लगने चाहिए, छुट्टियों में लगने चाहिए और बीच बीच में हमारे प्रचारक युवा लोगों में आर्य समाज ऋषि दयानंद का प्रचार करना चाहिए जिससे प्रभावित होकर के वो आए। भाई और बहनों, आर्य समाज की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरे देश का कोई नगर नहीं कि जहां पर आर्य समाज के मंदिर ना हो, स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, बड़े बड़े भूखंड ना हो, लेकिन यदि हम अपने लोगों को अपने में मिलाकर आर्य समाज से नहीं जोड़ पाए तो इन संस्थानों पर लोग कब्जे करेंगे या हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप सब इस बात का शपथ लेकर के जाएं कि हमने आर्य समाज के प्रचार को अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करना है और ये काम आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इनका हमने भरपूर सहयोग करना चाहिए ताकि ऋषि दयानंद का और हमारे महापुरुषों का आचार्य बलदेव जी स्वामी ओमन सरस्वती ने जिस परंपरा को इस प्रदेश में फैलाया था वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। भाई और बहनों, आदरणीय मास्टर रामपाल जी और उनकी पूरी टीम इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है। मैं उनसे पहले भी निवेदन करता रहा हूं कि प्रचार नहीं रुकना चाहिए, पैसे के अभाव में हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, यह बराबर चलेगा। आज तक काम को देख करके सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास्टर जी ने एक अभियान चलाया कि हम अधिक से अधिक वाहन बनाएं जिससे प्रचार का क्षेत्र बढ़े, तो वो काम गुरुकुल परिवार कुरुक्षेत्र की ओर से हमने पूरा सहयोग किया है। मास्टर जी कभी महसूस करेंगे बताएंगे तो आजादी के समय में जो आंदोलन आर्य समाज के महान विभूतियों के द्वारा उसमें भाग लिया गया वो भी सराहनीय है। अच्छा, स्वामी दयानंद के बाद चाहे स्वामी सदानंद जी हो, महात्मा हंसराज हो, लाजपत राय हो, कितने नाम हम ले सकते हैं, क्रांतिकारी वीर सावरकर आर्य समाज की शिक्षा से प्रभावित हुए, तो इस प्रकार आर्य समाज की शिक्षा से इस देश की आजादी इसको भी हमने प्राप्त किया वो भी बहुत सराहनीय काम है। ग्राम को बहुत बातें कराई जा सकती है, हमने सारे विश्व को एक प्रकार से इस देश के माध्यम से एक दिशा देनी है, रास्ता दिखाना है ताकि विश्व प्रगति भी करे, विकास करे, शांति के पुजारी के नाते भी शांति के लिए एक प्रकार से प्रसार हो, शांति की बहाली हो, आपस में कोई संघर्ष ना हो, इस मानवता के एक संदेश को सारे दुनिया में देने के लिए हमने वसुधा कुटुंबकम की बात की है कि सारी दुनिया के परिवार है तो दुनिया को एक परिवार करने के लिए हमने क्रमंक विश्व आर्यम, ये जो बात नहीं है ये अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ एक मंत्र है कि क्रमंक विश्व आर्यम, सारा विश्व आर्य समाज के मंदिरों पर चले। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः आग्रह करूंगा सब लोगों से।